आप देख सकते हैं मैं अभी ऑटो की सवारी कर रहा हूँ। रांची में आप देखें तो मुख्य रूप से जो यातायात की व्यवस्था है या यातायात का जो साधन है वह ऑटो है। दिन भर में हजारों लोग लाखों लोग ऑटो में बैठते हैं और पूरे रांची का सफ़र करते हैं, यानी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसी बीच मैं ऑटो वाले के पास पहुंचा हूं। इस कोरोना काल में क्या कुछ उनके ऊपर बीता, इस लॉकडाउन में कुछ महीने उन्हें ऑटो चलाने नहीं मिला, या फिर यूं कहें कि गाइडलाइंस के मुताबिक वो ऑटो चलाएं जहां पर उन्हें सिर्फ एक सवारी या दो सवारी बैठाने का आदेश था। अब धीरे धीरे अनलॉक हो रही है, हम उनके पास पहुंचे हैं, उनकी दुख और दर्द को जानेंगे, क्या कुछ उनके ऊपर बीता है। चलिए अब हम सीधे ऑटो वाले के पास चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। रांची में यातायात व्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर है तो वह है ऑटो। यहाँ कई सारे ऑटो चालक हैं, आप विजुअल के द्वारा देख सकते हैं। आज जानेंगे इनकी पीड़ा, इनका दुख दर्द, क्या कुछ गुजरा इस कोरोना काल में। 1 तारीख से झारखंड सरकार के नए गाइडलाइंस के मुताबिक बसों का परिचालन, ऑटो का परिचालन शुरू हो गया है, लेकिन अब भी ऑटो में दो सवारी से ज़्यादा नहीं बैठा सकते हैं ऑटो वाले। तो जानेंगे इन लोगों की पीड़ा क्या है, अब तक क्या गुजरा आप लोगों का कोरोना काल में। भैया कोरोना काल में पहला तो 3 महीना हम लोग का तो गाड़ी बंद था, मतलब जैसे जैसे घर का जो चला रहे थे किस्ती मान लीजिए आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर 3 महीने फिर आगे बढ़ा है। लेकिन घर चलाने के लिए फिर भी तो 200-300 रुपये होना चाहिए ना। पहला 3 महीने तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं हुआ पहला 3 महीना। 1 जून से जब भी गाड़ी चला तो ऑटो हम लोग को तर्क दिया गया कि रिजर्व के तौर पर चलेगा, लेकिन जो आदत पहले से यहाँ आदत बना हुआ था कि 10 रुपये दीजिए और चलिए, रिजर्व तो कोई कर नहीं रहा है, सवारी मिल नहीं रहा, फिर हम लोग सब परेशानी यही आया। लेकिन कहीं ना कहीं सवारी नहीं मिला, लेकिन ऑटो की जो भाड़ा है, भाड़ा में तो वृद्धि हुई थी ना कि 10 के जगह आप 20 ले रहे थे, तो उसमें आपका मेकअप नहीं हो रहा था। तो जी दो ऑटो भैया, पहले हम लोग 3, 4, 5 बैठा था, अभी 2 बैठाना है, बस 2 ही हम लोग को पास किया गया है कि 2 ऑटो में 2 ही चलेगा। अगर हम लोग 20-40 ले रहे तो 40 के अगर बूटी मन में 40 तो तेल जलता है, परेशानी तो यहाँ। आप बताइए कैसे गुजरा आपका बीता 5-6 महीना। बहुत ही दुखदायक रहा लॉकडाउन के वजह से, ऑटो का हम लोग का परिचालन नहीं हो पाया, और परिचालन अब हो रहा है तो 2 सवारी पे चलना है, और तेल का दाम भी प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और 2 सवारी में बैठ के चलना है, वो भी 2 सवारी ढंग से मिल नहीं रही है। तब हम लोग के यही हो गया कि भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। ऑटो में न सवारी मिल रही है, न चढ़ रहे हैं लोग, और भाड़ा जो है उससे भी लोग नहीं बैठना चाह रहे हैं कि भाड़ा ज़्यादा है। ये है, ये झारखंड राज्य एक गरीब देश राज्य है, यहाँ पर आदमी पैसा देना नहीं चाहता है, पैसा है नहीं आदमी के पास, एक कोरोना ये वो, तो हम लोग के बहुत ही परेशानी है, मतलब ऑटो वाला के सवारी मिल नहीं रहा है। 2 सवारी सरकार आदेश दिया है कि 2 सवारी बैठाना है, वो भी दोनों तरफ से नहीं मिल पाता है, तो परेशानी यही है। और कुछ लोग हैं उनसे बातें करते हैं। कहाँ से कहाँ ऑटो चलाते हैं आप? हम खिरायालाल से बुट्टी मोड़ चलाते हैं। कितना भाड़ा अभी? बरियातों का 30 रुपया है, बुट्टी मोड़ 50 है, लेकिन 40 कोई 30 ही देता है। 40 जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना महामारी आई है, तब से है कि उससे पहले वही भाड़ा था? नहीं, कोरोना जब से गाइडलाइन जब खुला, ऑटो जब खुली है, उसके बाद से भाड़ा, पहले तो 13 रुपये बुट्टी मोड़ का भाड़ा था, बरियातों का 10 भाड़ा था। क्या कुछ गुहार लगाएंगे सरकार से, क्या मांग करते हैं अभी आप? सरकार से यही बोलेंगे कि कम से कम 4 में पास कर दे और सवारी में इजाफा करें, अभी 2 है, 4 कर दें, 4 की कर दे, और उसके बाद सवारी का भी बहुत भाड़ा लग रहा है, इसके जगह डबल भाड़ा कर देने से थोड़ा मेकअप आएगा। इन लोगों का कहना है कि भाड़ा को डबल किया जाए, यानी भाड़ा में वृद्धि किया जाए, और जो सवारी है अभी 2 सवारी बैठाने का जो प्रचलन है उसको 4 किया जाए, क्योंकि इन लोग की इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। चाचा आप बताएं कैसे गुजर रहा है दिन? दिन तो अभी क्या बोलें, बोलना तो क्या बोले, सबको मालूम है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। दिन तो खराब ही गुजर रहा है, पैसा भी नहीं है, अब किस देना है, किस का भी पैसा नहीं है, आदमी पेट चलाएगा कि किस देगा कि क्या करेगा समझ में नहीं। कितना बाल बच्चा आपका? हमारा 5 बच्चा है। क्या करते हैं बाल बच्चे? अभी तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, 2-3 को, 1-2 को है, थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो फिर स्कूल का फी वगैरह कैसे भरें? अभी तो बंद लगा नहीं है, अभी आगे देखा जाएगा क्या होगा, अभी तो फीस लगा नहीं है, आगे जो होगा, अब तो जो भी होगा वही होगा, सामने होगा, अब क्या करना है। दिन भर में अभी कितना कमा लेते हैं ऑटो चला? 200-300 रुपये होता है, उसमें से गैस भराना है, डीजल भराना है, खाना खाना है, बहुत तरह का है, उसमें से 100-150 रुपये बचता है।
और क्या, और तो उससे ज़्यादा क्या होगा उसमें, तो खाना पीना घर भाड़ा में देने लगाना पड़ता है, घर भाड़ा भी देना है, घर भाड़ा हम लोग किराए में रहते हैं तो उसमें भी 2-2500 रुपया लगता है, बहुत थोड़ा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। आप देख सकते हैं विजुअल के थ्रू कि यहाँ ऑटो की कतार लगी हुई है और सारे ऑटो जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ना सवारी है ना इनके पास डीजल मुहैया करने का पैसा है, क्योंकि सवारी नहीं मिल रही है तो ये डीजल ना भर पा रहे हैं, ना जो मालिक ऑटो के जो मालिक हैं ना उन्हें दिन भर का जो एक फिक्स्ड रकम है कि 200 रुपया देना है या 300 रुपया देना है ना, नहीं दे पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप कि आप खुद का ऑटो है आपका कि आप किसी मालिक का ऑटो चलाते हैं? खुद का है। खुद का है जी। ये परेशानी यही है कि दो गो में हम लोग को पोसा ही नहीं पड़ता है, तेल जलता है 100-200 रुपया बड़ी मुश्किल से होता है, पसेंजर भाड़ा ज़्यादा हो गया है और पसेंजर के पास है नहीं, हम लोग पास ही परेशानी होता है, चलाने में दिक्कत होता है। अभी दिन भर में कितना रुपया कमा ले हैं? 200-250 रुपया बड़ी मुश्किल से होता है, कभी 50 रुपया लेके जाना पड़ता है, 100 रुपये लेके जाना पड़ता है। 50 रुपये में कैसे घर चलेगा? नहीं चलता है, नहीं चलता, मुश्किल है। क्या कुछ तेल सरकार से गुहार लगाएंगे? सरकार से गुहार लगाएंगे कि हम लोग को थोड़ा राहत दिया जाए। राहत क्या दिया जाए? राहत दिया जाए कि जहाँ 2 है वहाँ 4 किया जाए। लेकिन अगर 2 के जगह 4 करेंगे तो कोरोना महामारी का आतंक तो आप देख ही रहे हैं जी जी, इस तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो उसमें तो और रिस्क हो जाएगा। रिस्क तो है सर, लेकिन पेट भी नहीं मानता है, घर में भी रहेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, दिक्कत है। घर में रहेंगे तो मरेंगे, बाहर में रहेंगे तो ही मरना पड़ रहा है। इनका साफ कहना है कि घर में रहेंगे तो मरेंगे और बाहर रहेंगे तो भी मरना पड़ेगा। लेकिन आमदनी में जो अभी जो आप देख सकते हैं कि ऑटो वाले किस तरह परेशान हैं, इन लोगों का आमदनी जहां कोरोना काल से पहले दिन भर में 500, 600, 700 रुपये हो जाया करता था, अब मात्र 200 से 300 रुपये में अटक गई है। अब देख सकते हैं विजुअल में किस तरह 2 ही पैसेंजर ऑटो में बैठाया गया है। अंकल, जो भाड़ा में वृद्धि हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो निसंदेह ज़्यादा भरा है, अब ये लोग का क्या रेट बना है उसको तो हम नहीं जानते। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ऑटो में मात्र 2 ही सवारी बैठाई जा रही है, तो इसमें भाड़ा तो वृद्धि होना ही चाहिए, क्योंकि इस ऑटो में 9 से 10 आदमी जो ड्राइवर भाई हैं ये बैठाते हैं, लेकिन अभी कोरोना काल के चलते या सामाजिक दूरी नहीं हुआ था कि डबल करेंगे, भाड़ा डबल करना था, लेकिन डबल नहीं हुआ, क्वाड्रुपल हुआ, मतलब कि 4 गुना हुआ, 4 गुना हो गया, 4 का 52 मतलब हो गया, मतलब 50-2 रुपया कम, 50 रुपया हुआ, कहीं तो ज़्यादा लगेगा ही किसी को। अब ये इनकी यूनियन क्या कर रही है ये हमको नहीं पता है, हम तो आते हैं जाते हैं डेली 50 देते हैं, डेली लेकर के आते जाते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, पैसा तो ज़्यादा देना पड़ रहा है तो मेंटली तो अब काम करना है तो आना ही पड़ेगा, ये तो नहीं है कि नहीं आएंगे। राज्य सरकार से क्या मांग करेंगे आप? राज्य सरकार से कहेंगे कि इसको रिलैक्स किया जाए, भाड़ा की जो वृद्धि भाड़ा की घटाया जाए, सवारी में इजाफा किया जाए कि नहीं, सवारी में 4 को कर दे। चलिए, सवारी का भी ये कहना है कि 2 के जगह 4 कर दिया जाए, क्योंकि इनकी जो भाड़ा में वृद्धि हुई है सवारी को इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि जहां 10 रुपया भाड़ा लगता था वहां 30 रुपया यानी ट्रिपल भाड़ा लग रहा है। ऑटो वाले से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या इनके दिन गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा दिन? सर तकलीफ हो रहा है, सर तकलीफ ढेरे हो रहा है, अभी क्या के कमाई धमाई हो नहीं रहा है, तेल का दाम तो बढ़ते जा रहा है, किराया बढ़ते जा रहा है, घर के किराया दे नहीं रहे अभी, अभी कैसे बच्चा लोग को फीस देना है, क्या करना है, ये तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है। और सामान वाला भी बोलता है कि गाड़ी नहीं आ रहा है, माल नहीं आ रहा है, उसका भी रेट भगा दे रहा है। और हम लोग का इधर पैसेंजर जो है कि हम लोग का इतना में नहीं होगा भाई, हम लोग पैदल ही जाएँगे, साइकिल में जाएँगे, तो हम लोग किस तरह का आज नहीं जाएँगे, इस हिसाब से हम लोग का पैसेंजर एकदम ठप हो गया है, उन लोग का ठप हो गया तो हम लोग का भी पूरा ठप हो गया है। अब रोजी रोटी के लिए सोचना पड़ता है, दिन भर में भी 200 रुपया जुटाने में बहुत मुश्किल हो जा रहा है, गाड़ी का खिलाइएगा कि अपना खाइएगा कि स्कूल में दीजिएगा कि घर का किराया दीजिएगा, हम लोग किराए में रहते हैं और मालिक का गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी मालिक वाला लेबे करेगा, गाड़ी रोड पर आ गया वो लेबे करेगा, 150-200 जो भी बने वो लेबे करेगा। धीरे धीरे लॉकडाउन का अनलॉक हो रहा है, धीरे धीरे उम्मीद जाग रही है कि फिर से जो पहले के हालात थे फिर से वो हालात आ जाएंगे, क्या इस पर क्या कहेंगे? नहीं आएगा इस पर,
लॉकडाउन जो हुआ ना, इसमें तो हम लोग का ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। गरीब आदमी को जिसके पास पैसा है वो तो पूंजी लगा के अपना कुछ धंधा करके और बढ़ा के चल जा रहा है। जैसे इतना ट्रक जो चल रहा है, ये ट्रक में तो माल आइए रहे तब ना चल रहा है, वो फिर का तेल नहीं जला रहा है। उसके बाद दुकान वाले के पास जाइए तो बोलेगा भैया माल नहीं मिल रहा है, आपको सामान नहीं मिलेगा, थोड़ा सा लीजिएगा तो इतना पैसा लगेगा। तो इस चीज़ में सरकार ध्यान देता, खाली ध्यान देता है क्या ऑटो वाला रोड जाम करता। अरे पैसेंजर अगर हम लोग झूठा कहें ना बैठल हैं, पैसेंजर अगर रहे तो हम लोग यहाँ नहीं जाम लगाएंगे, चलते रहेंगे रोड में इधर उधर चलते रहेंगे, वो चीज़ नहीं कर रहे। आपके मन में कुछ है जो ट्रैफिक एसपी को बोलना चाहिए? एसपी को क्या, देखिए सरकार भी जानता है एसपी भी जानता है, सरकार अगर ठीक रहेगा हम लोग का जो भी सरकार हो वो ठीक रहेगा तो पूरे प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि सरकार ठीक नहीं है आपके कहने के मुताबिक? हाँ, ताकि गरीब आदमी लोग को इतना चल रहा है, कभी आके नहीं पूछें कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, स्टैंड नहीं है क्या, खड़ा कीजिएगा कैसे पड़ाव बनाइएगा, ये चीज़ नहीं पूछे। तो उसमें तो आप कैसे सरकार को यह प्रशासन का दर्ज दीजिएगा, वो तो दूसरे के अंदर में काम करता है। यानी आप हेमंत सरकार से खुश नहीं है? नहीं, किसी का भी सरकार होता है ये चीज़ करता तो सबको खुशी है, ऐसे भी ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन ये चीज़ गरीब के ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास रोजी है रोटी है उसी को सब पूछता है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई पूछने वाला नहीं। खाली इलेक्शन के टाइम में भैया आए हैं आपका दरवाजा प्रणाम कर रहे हैं, कल से याद कीजिएगा हमको, बस इतना ही भर है, उसके आगे और कुछ नहीं है। जब हो जाएगा उसके बाद सब भुला जाएगा गरीब को। सरकार तो पहले ही बोलता है कि गरीब एको नहीं रहने देंगे, जब भी भाषण देता है क्या बोलता है, एको गरीब को नहीं रहने देंगे, बोलता है कि नहीं गरीब ही नहीं रहने देंगे ऐसा बोलता है? नहीं, गरीब को नहीं रहने देंगे, एको गरीब तो उसके बाद कौन नेता आया गरीब का पद देखने आता है? हैं, ये लागू कीजिए वो लागू कीजिए, कंपनी को बोलना चाहिए रोड लगाने के लिए ये हमको आके खर्चा बढ़ा रहा है, इधर रोड लगाई तो हमको बढ़ा रहा है, तो सरकार को कंपनी को ना बोलना चाहिए जब पास करते हैं तब ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हम लोग आके बोलता है अरे कंपनी में कैसे गाड़ी निकाले उसका आप देखिए, हम देखेंगे पैसा लगा रहे हम, कोई भी आदमी लगा रहे हम नहीं लगा रहे, लेकिन जो भी ले रहा है गाड़ी हम लोग उसका भरोसा जी रहा है, तो उसमें तो उसको देखना चाहिए कि भाई ये चीज़ दिक्कत आ रहा है इसको आप पूरा फिक्स कर दीजिए, क्या कोई रोड लगाना लगा दीजिए, और नहीं कर रहा है। तो इसमें तो हम लोग आके बोले कि भैया आप ऐसे कर लीजिए, इसमें गाड़ी एक निकाल लीजिए, जैसे अभी सीएनजी गाड़ी आया बोला कि सीएनजी चलेगा डीजल नहीं चलेगा, ठीक है डीजल नहीं चलेगा, धीरे धीरे आधा तक कर लिए भाई लोग सीएनजी, उसमें तो ही बोलते हैं परमिट नहीं जाएंगे। उसमें क्या कारण दिया गया कि सीएनजी चलेगा डीजल नहीं चलेगा? प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण के चलते जी, प्रदूषण और इसके चलते नहीं देंगे। तो आपके पेट्रोल में ज़्यादा है, सीएनजी में तो प्रदूषण ही नहीं है? नहीं है सीएनजी, इसलिए सीएनजी आ रहा है, तो उसको तो देना चाहिए। राजधानी में आपको कितना है, 2200 के 2300 की 2500 है आपका परमिट राजधानी में, ये राजधानी में कम से कम अभी राजधानी जब झारखंड हो गया 20 साल होगा, 20 साल में 20,000 कम से कम 10,000 का परमिट देना चाहिए। सीएनजी चलाइए आप, वो भी नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं, अभी आधा आदमी लटकल हैं, परमिट हम लोग कैसे मिलेगा, गाड़ी निकलने के लिए बहुत फंस गए हैं, बाहर अदर रोड में जाते हैं तो आपको सीएनजी नहीं मिल रहा है, कम से कम सीएनजी तो चालू करना चाहिए टाउन में पूरा, क्या बाहर में भी थोड़ा देना चाहिए सीएनजी। तो अब तक तो आप पेट्रोल डीजल का ही चला रहे हैं गाड़ी, सीएनजी तो क्या कीजिएगा, मजबूरी है अभी। सीएनजी में परमिट मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है सीएनजी में भी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वो ले लीजिए कंपनी बोलता है कि सीएनजी लीजिए ना परमिट देगा। अच्छा, लेकिन इसका कुछ उसका अलाउड नहीं हो रहा है, उसमें आदमी जिएगा किधर से, इधर फंसे हुए हैं हम लोग गर्दन रस्सी लगा के। आप सुने इनकी बातों को, इनका साफ कहना है कि नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, जब उनका समय गुजर जाता है तो फिर हमें भूल जाते हैं। ये ऑटो चलाते हैं, इनका दिन भर का रोजी रोटी इन्हीं ऑटो से होता है, दिन भर में 200-300-400 इस ऑटो के सवारी से ये कमाते हैं। ऑटो वाले बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं दो सवारी से, उनकी मांगे हैं कि दो के बदले में 4 सवारी किया जाए, या फिर जो भाड़ा भी है उस भाड़े में वृद्धि किया जाए। हम अब तक पहुंचेंगे, हर वो खबर हर वो कड़ी तक हम पहुंचेंगे और आपको बताएंगे। बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ, कैमरामैन गौरव के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, जेके न्यूज़ नेटवर्क रांची।